सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के पहलवानों का जलवा देखने को मिल रहा है। सोनीपत के गांव नहारी के रहने वाले रवि दहिया ने अपने चिर प्रतिद्वंदी नाइजीरियन खिलाड़ी को एक तरफा कुश्ती में हराते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। रवि के गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। अब रवि के परिवार और ग्रामीणों को रवि से आने वाले ओलंपिक में उम्मीद और ज्यादा हो गई है। टोक्यो ओलंपिक देश का नाम रोशन करने वाले सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भी देश को निराश नहीं किया और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। आपको बता दें कि नाइजीरियन खिलाड़ी को रवि दहिया ने टेक्निकल सुपीरियरिटी से हराते हुए देश की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया और जिसके बाद रवि और उसके परिवार को बधाइयों का तांता लग गया। आपको बता दें रवि दहिया सोनीपत के गांव नहरी के एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। रवि के पिता राकेश किसान हैं और माता उर्मिला गृहिणी हैं। वहीं रवि का छोटा भाई पंकज भी रवि के साथ पहलवानी करता है। रवि के पिता राकेश ने अपने बेटे को पहलवान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और रवि को इस मुकाम तक लेकर जाने के लिए उसके माता पिता का अहम रोल है। रवि की इस जीत के बाद पिता राकेश और मां उर्मिला ने कहा कि उनके बेटे से अब की बार गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और बेटे ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आने वाले प्रतियोगिताओं में रवि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेगा। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे गाँव को और हमारे देश को और हमारे गुरु कोचों को माँ बली सतपाल पहलवान जी उनके गुरु कोच और भी कोच हैं, कम से कम 6-7 कोच हैं वहाँ छत्रसाल स्टेडियम में, सभी का अच्छी योगदान है, सभी करवाते हैं मेहनत बड़ी। आपका सपना पूरा किया रवि ने? हाँ, हमारा सपना और हमारे गांव का और हमारे देश का। कितनी मेहनत रवि करता था बचपन में, कब से खेल? बहुत मेहनत करता था, 10-11 साल का ये रवि मेहनत करने लगा था। अच्छा, और ये स्कूल से भी आता था तो घर के की दादी की माँ कहती थी कि अब तो लेट हो गया, वहाँ खाड़े में कित जागा तू, छोटा खाड़ा था यहाँ गाँव का करवा करता इंतराज, तो वहाँ फिर बोले अब मैं यहाँ खेलूँ भी, इतनी आड़ में कराऊँगा मेहनत, शौक था बहुत। मिट्टी के अखाड़े में खेलने लगा था? हाँ, पहले यहाँ मिट्टी के अखाड़े में रहा थोड़े दिन, उसके बाद दिल्ली, हाँ दिल्ली स्टेडियम 17 साल वहीं जा गए फिर तैयार। आपने प्रतिदिन मेहनत की दिल्ली से दूध देके ले जाते थे? प्रतिदिन वहाँ दूध घी अपना मक्खन ले जाते थे, पूरे परिवार का सबका योगदान है। जब घर पहुँचेगा तो किस तरह स्वागत किया जाएगा रवि का? बहुत अच्छा स्वागत हो जाएगा, पूरे गाँव का और पूरे सभी मिलकर पूरा अच्छा स्वागत करेंगे। देखो जी, उसकी जीत पर तो इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। ओलंपिक में मेडल लेके आया तो उससे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि उस टाइम सिल्वर आया था, हमें गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन आज गोल्ड लेके आया। गोल्ड के लिए उसको हमने प्रोत्साहन किया था, बोला था, तो वो गोल्ड ही लेके आया, हमारा सपना पूरा साकार किया। और आने वाले टाइम में हम अपना जो बोला वादा किया उसने, भाई ओलंपिक से, एशियन गेम से, वर्ल्ड चैंपियनशिप से, सभी में गोल्ड लेके आएगा जी, पूरी पूरी उम्मीद है जी। कब से जुनून है रवि को हुआ था? ये छोटा था जी, छोटा है, हम करते थे तो आने के अपने आप ढीखड़ी मिट्टी में जाना, हंसराज जी है वहाँ पे, वहाँ लेकर जाते थे, वहाँ करवाते थे, और शुरू से ही इसको बहुत शौक था करने का। कभी सोचा था कि बेटा इस मुकाम पर जाएगा? देखो जी, शुरू में तो कोई नहीं सोचता, लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी, इतने इतनी लगन थी बहुत। जब पहले जहाँ स्टेडियम में जाते थे वहाँ लेकर गए थे हम दिल्ली इसको, तो वो कोच भी ये बोल रहे थे भाई इसमें अलग से जुनून है, जो पहले भी कोच रहे वहाँ पे राम फड़था और था, तो उन्होंने ये बोला था भले ये इस बच्चे में अलग से ही कुछ जुनून है, क्यों इसको मना करते हैं फिर भी ये लगा रहता है। तो हमें पूरी उम्मीद थी जी ये ओलंपिक से गोल्ड जरूर लेके आएगा, कोचों की और गुरुओं की और हमारी, हम तो बहुत खुश हैं जी आज अब इस मुकाम पे हमारा लड़का गया है और आने वाले टाइम में गोल्ड ही लेके आएगा। भारत माता की जय। जब घर पहुंचेगा जी बहुत अच्छा स्वागत करेंगे गांव के, हम तो करेंगे जी गांव के और देश के सभी, हरियाणा के, हमारे प्रदेश के सभी। कहीं ना कहीं आपके भतीजे ने आपका सपना पूरा किया? देखो जी, हमारा सपना था, लेकिन हम तो उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, लेकिन हमारा सपना हमारे बच्चे ने पूरा किया है। बहुत खुशी मन अपने बच्चे। क्या खिलाया जाएगा जब घर पहुँचेगा? जब होता खीर कबाब है, खीर खुआओगे, कैसे स्वागत किया जाएगा? खुआओगे, पेड़े लाओगे बेटा, सब बच्चा को खुआओगे। कब से खेलने लगा था बचपन में रवि? 12 साल का, तभी 6 साल का लग गया था, सारा अंसरा दो रजान। आज बहुत खुशी होगी? बहुत खुशी बेटा, इतनी खुशी बहुत गई ना, बहुत खुशी है रवि ने गोल्ड मेडल जीता। बचपन में कब से खेलने लगा था? 10-12 साल का गया था।
कभी सोचा था बेटा इतनी बड़ी? नहीं नहीं सोचा था। इतनी मेहनत रवि के लिए की है? बहुत मेहनत करी हमने सारे परिवार ने मिलजुल कर, बहुत मेहनत करी। रवि के पापा दूध लेकर प्रतिदिन दिल्ली जाते, कितने साल वहाँ दूध देने गए? 15-16 साल तो दाऊंगा यहाँ। वह तड़के सुबह उठकर 4 बजे उठा करती, तड़के दार काटती, यार गेटती दार काट कर दूध गाल कर जब दूध लेकर जाया करती। क्या खिलाया जाएगा जब घर पहुंचेगा रवि? खीर चूरमा हलवा। खीर ज्यादा पसंद है? खीर का गणी पसंद है।